हमारी जान बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है? हमें भागने का भी वक्त नहीं मिलता, अपनी जान बचाने का भी वक्त नहीं मिलता। दिनों तक हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको लेके सरकार अभी तक चुप क्यों? गांवों को जलाया जा रहा है, हमारे गिरजाघरों को जलाया जा रहा है। हम भी अपने देश और अपने जमीन पर वापस चैन से जी सकते, मिट्टी से बने हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? नमस्कार, मैं प्यू टिगरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर मणिपुर में जो भी हादसा हुआ, जो भी हिंसा चल रहा है और जो तस्वीरें आई, उसके लिए जो मणिपुर के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगी? जो भी सरकार ने, जब इलेक्शन आया तो सरकार ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य को विपक्ष ने अलग कर दिया है, हम इसे अपना कर हम इससे खुशहाल बनाएंगे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारी बस एक ही मांग है, इतने दिनों तक हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको लेके सरकार अभी तक चुप क्यों है? हमारी बस एक ही मांग है कि हमें ओनली सॉल्यूशन इज टोटल सेपरेशन। ठीक है, हमारे साथ जो अन्याय अभी तक हुआ है, ये हम कब से चिल्लाकर चीख चीख कर हम सरकार को बता रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है जिससे मतलब कि उधर की अन्याय अभी बंद हो। टोटल सेपरेशन क्या है, किस तरीके से? तो टोटल सेपरेशन हम इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे भी जब दो लोग अभी तक उधर है जो अपने गांवों को चप्पलों पत्थरों के साथ डिफेंड कर रहे हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहे हैं। कितने सारे दुर्घटना हो चुकी है जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, और हम ये और अन्याय और नहीं सह सकते। इसके वजह से जल्द मैं ये जनता को और भारत को ये मैं ये बैक करती हूँ, मैं ये उनके सामने मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमें सेपरेशन दे दिया जाए, जिससे पहले हमारे जो भाई बहन अभी तक उधर है, उन सब की मृत्यु होने से पहले एक ऐसा कदम उठा दिया जाए जिससे हम देश, हम भारतीय देशवासियों, हम भी अपने देश और अपने ज़मीन पर वापस चैन से जी सके। किस तरीके का सेपरेशन चाहती हैं आप? जो मैतेई कुकी का जो वहाँ पे विवाद छिड़ा हुआ है, उसमें सेपरेशन या जमीन की, किस तरीके की सेपरेशन चाहती हैं? देखो, सेपरेशन की बात करेंगे तो ये सब की जड़ अन्याय क्या है, ये सब किस वजह से हुआ है, ये हम सब जानते हैं। और जमीन का विवाद चल रहा है कि बस जमीन का ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो हमारे भाई डेविड के साथ हुआ है, जो अन्याय उनके साथ, उनके साथ जो हुआ है, या फिर हमारी जो बहनें, जो तीन बहनें के साथ जो अपराध हुआ है, उसे हम और नहीं सह सकते। और कब तक, और भारत सरकार से मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कब वे कोई स्टेप उठाएंगे? जब तक क्या वो एक और वायरल वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं? जब तक एक और वीडियो वायरल ना हो जाए तब तक वो चुप बैठेंगे? अभी तक हमारे गांव के वासियों अपने डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, अपने सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हम भी भारतीय है, हम भी देश है, हम अलग दिखते होंगे लेकिन हम अलग हैं नहीं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? हमारी जान बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है? स्मृति ईरानी से सवाल पूछने पर, सरकार से सवाल पूछने पर स्मृति ईरानी संसद में चिल्लाने लगती हैं, कहती हैं कि छत्तीसगढ़ डिस्कस करो, राजस्थान डिस्कस करो, सब कोई मणिपुर ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम मणिपुर के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यह
पहली बात, बहुत बहुत 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक शांति नहीं है उस राज्य में। दूसरी बात, जिस बेरहमी से हमारे भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये आम जनता भी जानती हो। ये जो ये हमारी जो बहनों के साथ जो हुआ था, ये तो बस एक ही सिलसिला है, लेकिन ये सिलसिला भी इतनी बड़ी है कि मतलब दिल पहुंचा देती है। तो इसके वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कोई कदम उठा दिया जाए जिससे शांति पैदा हो। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे नहीं, मणिपुर के मेइतेइयों के जो मुख्यमंत्री है, उन्हें अपने पार से, अपने अपने राज्य स्थान से निकाल दिया जाए, क्योंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री होने का उनका अधिकार अब हम नहीं मानते, क्योंकि वो हमें बचा नहीं सके, वो हमें सुरक्षित महसूस नहीं कर सके। जो भारतीय सेना है वो वीडियो साझा करती है, वीडियो शेयर कर करती है कि मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो उग्रवादियों का साथ दे रही हैं, रास्ता घेर कर उग्रवादियों को छुड़ा लेती हैं सेना के कब्जे से। क्या कहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहती हूँ, पहली बात तो मैं भारतीय सेना से बहुत भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने तहत मन से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वह हमारी मदद करने आए। पर जैसे कि सबने देखा है कि उन हमारे जो भारतीय सेना को उन मेरा भाई भी लोगों ने रोक दिया और धमकी भी दी कि आगे बढ़े तो कपड़े निकाल देंगे। ऐसी स्थिति में शांति बहाल कैसे हो? ऐसी स्थिति में आप देख ही सकते हो कि शांति कौन नहीं चाहता है। जो लोग भारतीय सेना को अंदर या फिर उनका काम करने नहीं दे रहे, वैसा कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है ऐसी हरकतें दोनों समुदाय से की गई है। देखो, हमारे आप देख सकते हैं कि हमारी जो तीन हमारे कम्युनिटी की जो तीन बहनें, मेरी बहनें, मैं उनको बहनें मानूंगी बिकॉज वी आर हर, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है आप खुद देख सकते हो कि हमारे गांवों को जलाया जा रहा है, हमारे गिरजाघरों को जलाया जा रहा है। हम जाके किसका कुछ जला रहे हैं, हम ये बताओ। हमें भागने का भी वक्त नहीं मिलता, अपनी जान बचाने का भी वक्त नहीं मिलता है, तो हम जाके किसी और पर वार करना, ये ज़रा सा झूठ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक जो भी अन्याय हो रहा है इसमें अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी भारतीय हैं, हमारी चीख, हमारी हम कब तक चलाएं, लेकिन हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक सरकार हमारी आवाज़ ना सुने। हम तब तक अपने राइट्स के लिए चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिनके भी जो लोग भी इसमें शामिल थे उनकी चुन चुन कर उनकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? और ये दुर्घटना अभी की नहीं है, ये दुर्घटना मई की है, तो वीडियो वायरल होने के बाद ही क्यों उनका स्टेटमेंट आया? वीडियो वायरल होने के बाद ही क्यों देश को दिखाई दे रहा है कि हम किस मोड़ से जा रहे हैं? क्यों एक और एक वीडियो के कारण आप विश्वास करने लगे हो? हम कब से चीखे, हम कब से चिल्लाए, तब क्यों नहीं हमारी आवाज़ सुनी? और चलो ठीक है, अब आपको दिखाई दे गई है तो कदम उठाइए। हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं एक कदम का, एक सुख शांति का, तो वो कब आएगा, वो कब मिलेगा हमें? देशवासियों को मैं यह कहना चाहती हूँ, यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप भी भारतीय वासी हैं, हम भी भारत के उसी सरजमीं पर रहते हैं, हाँ उसी मिट्टी से बने हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? हमें अपना हक ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये है एक महिला की आवाज़ जो कि यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हैं, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है
वो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी जो हैं मणिपुर के लोग हैं जो यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं, या कुछ लोग आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और सबकी मांग यही है कि प्रधानमंत्री जो है और जो सत्ताधारी लोग हैं वो इस बात पर चुप्पी साधे क्यों हुए हैं। अगर कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। आप मेरे पीछे एक बार देख पा रहे होंगे कि जो महिला स्पीच दे रही है वो रो रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ की दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरीके से महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, हिंसा हुई, लेकिन उसमें जो जिस तरीके से, क्योंकि महिलाओं तीन महिलाओं के साथ जिस तरीके से बदसलूकी, रेप और जिस तरीके से परेड निकाली गई, वो जाहिर तौर पर सबकी आंखें नम कर देने वाली है और भारत पूरे भारतवर्ष को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। और जो सरकार है उसको सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और सबका सवाल यही है कि अगर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और इससे पहले सरकार क्यों सो रही थी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन तौहीद के साथ ड्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।